ये वीडियो उस हर एक स्टूडेंट के लिए है जो कि क्लास 9 या फिर क्लास 10 के अंदर पढ़ना तो चाहता था, मेहनत लगाना तो चाहता था, बट कुछ रीजंस की वजह से वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाया। उसने अपना पूरा समय अभी तक का खराब करा है। बट मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर तुम ये वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो, इस वाले टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो, तो तुम कम समय के अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे और उसके साथ साथ वो जो तुम्हारा सपना था ना 95 का, उसको भी अचीव कर पाओगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। देखो इंट्रो वगैरह किसी और वीडियो में देख लेना, आज तुमसे 1-to-1 बात करनी है। यार देख दोस्त, तेरे पास ना अभी भी दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या हैं? एक वो रास्ता है जो कि तुम हमेशा से चलते आ रहे हो। रास्ता क्या है? तुम इस वीडियो को देख रहे हो अभी, जैसे कि तुमने बहुत सारी पहले वीडियोस देखी थी। वीडियोस कैसी थी? जुलाई से पढ़ के 95 लाओ, जून से पढ़ के 95 लाओ, अपनी समर वेकेशंस को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, टाइम टेबल कैसे बनाए, ये बहुत सारी तुमने वीडियोस देखी होंगी। उसमें से कुछ वीडियोस मेरी भी होंगी। जब तुम वीडियोस देखते हो तुम मोटिवेटेड रहते हो, हाँ या ना? रहते हो मोटिवेटेड। कुछ समय तक तुम पढ़ते हो, 3-4-5 दिन, उसके बाद फिर से वही। अभी क्या चल रहा है? अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। और कुछ बच्चे जो कि इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, शायद सितंबर में देख रहे होंगे, अक्टूबर में देख रहे होंगे, नवंबर में देख रहे होंगे, दिसंबर में देख रहे होंगे, अरे सबकी स्थिति सेम है। जनवरी में जब बोर्ड्स आने वाले होते हैं, एक महीना बचता है, जब बोलते हैं भैया पढ़ाई तो करी नहीं, बोर्ड्स तो एक महीने में है। और एक क्यों हुआ? क्योंकि हम हर टाइम वीडियोस तो देखते थे, हम हर टाइम मोटिवेशन तो लेते थे, बट उस मोटिवेशन को अप्लाई नहीं करते। तो आज तेरे पास देख दो रास्ते हैं। या तो एक रास्ता वही है कि तू आज इस वीडियो को देख, मेरी बातें सुन, मोटिवेटेड हो, पढ़ना स्टार्ट कर, दो दिन पढ़, तीसरे दिन छोड़ दे। बट एक और रास्ता है, दूसरा रास्ता ये बोलता है कि यार तू मेहनत लगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो कर, केवल मोटिवेशन मत ले मेरे से, मेरी बातों को अप्लाई कर। अगर तू फॉलो करता है रिजल्ट्स दिख, फिर तुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुलाई से पढ़ के कैसे 95 लाएं, अगस्त से पढ़ के कैसे 95 लाएं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कभी तुमने सोचा है ये होता क्यों है? कि तुम मोटिवेशन में तो आते हो, तुम सोचते तो हो हम पढ़ेंगे भैया, अब ना हम जुलाई बहुत ढंग से पढ़ेंगे, ये तुमने जुलाई से पहले सोचा होगा, है ना? बट क्या हुआ, कैसे तुमने टाइम खराब करा? कभी तुमने सोचा? मैं समझाता हूँ, ये तुम्हारी पूरी ब्रेन की साइकिल है। ये दिमाग तुम्हें बेवकूफ बनाता है, ये दिमाग तुझे दिखाता है कि यार देख होमवर्क है, नोट्स है, इतना सारा काम है, स्कूल का काम है, भैया बहुत सारा काम मिल रहा है, और फिर उसके बाद टेस्ट भी चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं, यार वो भी तो पढ़ना है, क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं। और आपका जो ब्रेन है आपको साइकिल में फंसाता रहता है। और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं करते, आप बस सोचते रह जाते हो कि यार कल ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और कल जब आता है आप कुछ नहीं करते। फिर आप रात को सोचते हो कि ठीक है यार कल से पढ़ेंगे, बट कल फिर वही फोन चला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो सारी साइकिल तुम्हारी ब्रेन की है। सबसे पहला स्टेप हमें इस ब्रेन को हैक करना होगा। हैक कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। फियर ऑफ पास्ट को खत्म करके, ये जो ब्रेन है ना ये आपके पास्ट पे चलता है। इस ब्रेन के पास ना इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन। शायद तुम 8th class 9th class के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होगे, है ना, इस वजह से तुम्हें ये लगता है कि मैं तो कभी टॉपर ही नहीं बन सकता लगता होगा। या फिर तुम शायद यूनिट टेस्ट के अंदर जो तुम्हारे जो टेस्ट होते हैं ना, जो स्मॉल टेस्ट होते हैं, उसके अंदर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, उससे तुम्हें ये लग रहा होगा कि प्रशांत भैया क्लास के टॉपर के तो 90 मार्क्स आते हैं, मेरे तो 70 ही आ रहे हैं, मैं कैसे टॉपर बनूंगा, मैं कैसे 95 लाऊंगा, मैं तो आज तक 95 नहीं लेकर आया। और इसी की वजह से ब्रेन तुम्हें ट्रैप करता रहता है, तुम्हें फंसाता रहता है, तुमसे बोलता रहता है अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे तुझसे नहीं हो पाएगा। तुम मेरी मोटिवेशन वीडियो देखोगे अभी मोटिवेट हो जाओगे, पर 2-3 दिन बाद भाई, क्यों? ये ब्रेन। तो अगर इस ब्रेन को हैक करना है, इस ब्रेन को अपने कंट्रोल में लाना है, सबसे पहले फियर ऑफ पास्ट को हटा दो। मुझे डर लगता है ना तुम्हें कि यार भैया क्या होगा अगर मार्क्स नहीं आए, भैया मेरा तो ना प्रीवियस जो था ना, मेरे मार्क्स कभी अच्छे आए नहीं, मैं तो 8th class में एवरेज था। देख दोस्त, रियलिटी बता रहा हूं, मैंने पिछले 3 साल के अंदर ऐसे बच्चों को देखा है जो कि 11वीं के अंदर फेल हुए थे और वो जेई मेन नीड जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं। मैंने पिछले साल ऐसे बच्चों को देखा था जो कि 9th के अंदर 40-50% लाए थे और 10th के अंदर 96-97% लेकर आए। तो पास्ट से कुछ नहीं होता, पहली बता देता हूं, पहले इस चीज को क्लियर कर लो। अब देख अगला स्टेप क्या है, ये सारे स्टेप तुम्हें अपने दिमाग में डालने पड़ेंगे, मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा दोस्त, कुछ नहीं होगा, इस चीज को अपने दिमाग में डाल ले। दूसरा स्टेप क्या है, टाइम टेबल। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया टाइम टेबल बता दो, भैया कुछ ऐसा टाइम टेबल दे दो जिससे कि हम टॉपर बन जाए। क्यों क्यों? आज तक क्या मैंने तुम्हें यहां पर खड़े होकर, किसी भी चैनल पर खड़े होकर, क्या मैंने तुम्हें टाइम टेबल दिया है? नहीं, क्योंकि टाइम टेबल तुझे बनाना है, तेरी लाइफ है, तेरा एग्जाम है, तेरा सिलेक्शन है, तेरे परसेंटेज है, मैं क्यों बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊंगा। तो इस बात को समझ
टाइम टेबल तुझे बनाना होता है। अगर तू मेरी कोई भी टाइम टेबल से वीडियो देखेगा तो उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। मैंने कभी भी एक नॉर्मल टाइम टेबल नहीं दिया किसी को, क्यों? क्योंकि टाइम टेबल तुम्हें बनाना होता है दोस्त। ये टाइम टेबल जो है ना, ये तुम बनाओगे। और 90% लोग, बता रहा हूं, 90% लोग टाइम टेबल बनाते हैं, फेल होते हैं, और उसके बाद क्या होता है? रिग्रेट, डीमोटिवेशन। इसलिए अगर तुमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, डोंट मेक टाइम टेबल। क्या करें भैया फिर? डेली टारगेट्स, हर रोज जैसे ही सुबह उठ रहे हो या फिर रात को सोने से पहले खुद को टारगेट दे दो ना कि यार भैया आज क्या करेंगे, आज यार साइंस का ये वाला चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, अच्छा यार आज ना एसएसटी का ये वाला चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, अच्छा आज ना मैथ में अपन ये रियल नंबर पढ़ लेंगे, कुछ भी। खुद को डेली टारगेट दे दो, टाइम टेबल मत बनाओ। टाइम टेबल बनाने की जरूरत क्या है? अगर तुमसे टाइम टेबल नहीं फॉलो होता तो मत बनाओ, सिंपल सी बात है। धीरे धीरे जब तुम डेली टारगेट्स अचीव करोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हें टाइम टेबल बनाना आ जाएगा। तो जो टाइम टेबल तुम्हें कोई देता है ना कि 9 से 10 ये कर, 11 से 12 ये कर, 12 से 1 ये कर, ये बेवकूफी है। इस बेवकूफी में मत पड़ो, पहली बता। और मुझसे पूछना बंद कर दो कि भैया टाइम टेबल दे दो, भैया क्या है टाइम टेबल? अरे यार टाइम टेबल बनाना मैंने तुझे सिखा रखा है, और अगर नहीं बनता तो डेली टारगेट्स बनना, सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस। देख, तू बोर्ड का एग्जाम देने वाला है अगर तू 10वीं के अंदर, अगर तू 9th के अंदर है तो स्कूल एग्जाम देने वाला है, सिंपल सी बात है। राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 90% स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आज तुमसे एक सवाल पूछूं कि यार व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो जानते तो हैं क्या होता है कि अच्छा भैया एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, बट अगर मैं तुमसे बोलूं ना इस आंसर को लिख के दो, तो बहुत कम बच्चे इसको लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चीजें याद तो होती हैं, हम किताबें पढ़ते तो हैं, बट हम लिख के ट्राई नहीं करते। सिंपल सी चीज है यार, अगर तूने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं करी ना, चीजों को लिख लिख के अगर याद करेगा तो अच्छी तरीके से याद रहेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट है जो एसएसटी को रट तो लेते हैं, बट जब बात आती है लिखने की, जब बात आती है एग्जाम में लिखने की, तो कैसे होगा। और एक चीज और याद रखना, अगर तुमने अभी तक तैयारी अच्छी नहीं करी है, डरने की बात नहीं है, बट हाँ आसान चैप्टर को पहले उठाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यार एसएसटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अब एसएसटी से नफरत है और तुम्हें एसएसटी पढ़ना स्टार्ट कर देना है, और कुछ बच्चे डायरेक्ट हिस्ट्री को उठाते हैं, एसएसटी के अंदर उठाया हिस्ट्री को। अब हुआ क्या कि हिस्ट्री से वैसे ही आपका वैसे ही संबंध बहुत बेकार था, हिस्ट्री आपको बहुत बेकार लगती थी। अब आप पढ़ने बैठे, थोड़ी देर पढ़ा, बोर हो गए, दिमाग ने बोला कि यार ये क्या पढ़ा रहा है मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और तुम बंद कर देते हो। तो ऐसे कैसे एसएसटी पढ़ोगे? सिंपल सा मेथड है, अगर पढ़ना अभी स्टार्ट कर रहे हो आसान चैप्टर को उठाओ ना। साइंस के अंदर सबसे आसान चैप्टर कौन सा लगता है? एसएसटी के अंदर सबसे आसान चैप्टर कौन सा लगता है? मैथ के अंदर कौन सा आसान चैप्टर लगता है? उसको उठाओ डायरेक्टली, उसको उठाओ और उसको पढ़ो। मुश्किल चैप्टर नहीं पढ़ने सबसे पहले, बाद में पढ़ेंगे, पहले आसान चैप्टर पढ़ना होता है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है डोंट काउंट आवर्स। इसके रिलेटेड ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मैं तुम्हें सुना भी देता हूँ। देखो ये स्टोरी जो है ना वो तुम्हारी एक सीनियर लड़की की है, तो एक टॉपर थी, हमसे ही पढ़ी थी EXPF से, और उसकी 97 या 98 कुछ आई थी। तो उसका ना मैंने इंटरव्यू लिया था और मैंने वो यूट्यूब पे डाला था शॉर्ट्स के अंदर। तो उसके अंदर ना उसने एक लाइन बोली थी, लाइन ये थी कि अगर तुम डेली एक घंटा भी पढ़ते हो, आधा एक घंटा भी पढ़ते हो ना, तो भी तुम 97 तक लेकर आ सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर दिया कि डोंट मतलब बिलीव मत करना टॉपर के ऊपर, टॉपर्स आर फेक, ऐसे ऐसे ऐसे। बट अगर तुमने उसकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनी हो, तो उसने बोला था कि हर रोज एक घंटा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुम्हें भी लगेगा भैया एक घंटे पढ़ने से 97 कैसे आती है, हर रोज एक घंटा। अगर अभी से तेरे एग्जाम के अंदर 8 महीने हैं या 6 महीने हैं, क्या तू 6 महीने 1 से 2 घंटे पढ़ सकता है हर रोज? नहीं पढ़ सकता, गारंटीड बोलता हूं। 0.1% लोग हैं जो कि डेली पढ़ सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि कभी कभार हम मोटिवेटेड होते हैं, हम 1 घंटा 2 घंटा 3 4 घंटे पढ़ लेते हैं, बट उसके अगले दिन यार आज तो दोस्त का फोन आया है, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। खेलना बुरी चीज नहीं है, बट कंसिस्टेंटली पढ़ना मुश्किल है। तो इस वजह से अपना पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, डोंट काउंट आवर्स। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि घंटे गिनते हैं, भैया यार मेरा दोस्त तो 3 घंटे पढ़ रहा है, मेरा दोस्त तो 4 घंटे पढ़ रहा है। अरे छोड़, वो जो तेरा दोस्त है ना, वो एक दिन 3 घंटे पढ़ेगा, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तू हर रोज 1 घंटे पढ़, तू हर रोज 2 घंटे पढ़ करके तो देख, त्याग सेक्रीफाइस करके तो देख। एक बार अपने चाचा की जो लड़के की शादी हो रही है, तेरे भाई की शादी हो रही है, उसमें मत जा, सेक्रीफाइस कर। जब सेक्रीफाइस करेगा ना तो मिलेगा आउटपुट, मिलेगा रिजल्ट। हर रोज केवल 1 से 2 घंटा पढ़ लो, आर्स को मत गिनो यार,
कि वो 2 घंटा कर रहा है, वो 3 घंटा कर रहा है, वो 4 घंटा कर रहा है। आप जो डेली टारगेट्स है ना उनको अचीव करो, चाहे कम टारगेट्स रखो बट हर रोज पढ़ो कंसिस्टेंटली। अगर इतना कर लेते हो, मैं गारंटी बोलता हूँ कोई नहीं रोक सकता 98 से। आज बोल रहा हूँ, बात को लिख लो, अगर हर रोज पढ़ सकते हो ना तुम आओगे अगले साल इसी चैनल पे, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा गारंटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है, खुद से झूठ मत बोलो। और इस चीज को मैं हाथ जोड़कर तुमसे बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है यार, तुम सबसे झूठ बोलते हो। पेरेंट्स को दिखाने के लिए कभी कभार पढ़ने चले जाते हो जबकि तुम नहीं पढ़ रहे होते, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है ना, बट खुद से तो झूठ मत बोलो एटलीस्ट। पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं यार मुझे पढ़ना है, मुझे मोटिवेशन लानी है, मुझे अपने अंदर से ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के बाहर आना है, मुझे 98 लानी है। खुद से झूठ बोल रहे हो, क्यों? अगले दिन तो तुम पढ़ते ही नहीं हो, अगले दिन तो तुम फोन चलाने लग जाते हो। तो खुद से तो झूठ मत बोलो। खुद से कितने झूठ बोलते हो कि भैया आज से पढ़ना स्टार्ट, आज से 3 घंटे पढ़ेंगे, और एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, अगले दिन फिर फुस। झूठ बोल दिया खुद से। खुद से झूठ मत बोल, किसी और से बोलेगा चलेगा, खुद से झूठ बोलेगा ये दिमाग कभी तेरा साथ नहीं देगा। खुद से हमेशा सच्चाई बोलनी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भैया अगर आप बोल रहे हो कि आज से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मतलब तुम करो। पता है ये जो लोग होते हैं ना, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि यार मुझे पढ़ना है और फिर पढ़ते नहीं, इनसे अच्छे तो मुझे वो लोग लगते हैं जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ते। वो लोग होते हैं ना जो कि एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ते हैं और फिर भी 50-60-70% ले आते हैं, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं। क्योंकि वो कभी भी मुझसे ये नहीं बोलते कि प्रशांत भैया मुझे तो बहुत मेहनत से पढ़ना है, वो यही बोलते हैं भैया हम तो 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, भैया हम तो 10-15 दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, हमें तो उतने ही नंबर लाने। अरे यार तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे। कम से कम कब तक झूठ बोलोगे? कब तक? तेरे पेरेंट्स हर रोज काम पे जा रहे हैं, तेरे माँ बाप काम पे जा रहे हैं एंड वो मेहनत कर रहे हैं यार। यार किसी और से झूठ बोल लेना, खुद से झूठ मत बोल। फिर से बोल, अगर बोलते हो ना कि आज मुझे रात को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, फोन चाहे आपके दोस्त का कॉल आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, सबको इग्नोर करना पड़ेगा। तो सिंपल सी ये चीज है, इसको तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आई होप कि तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस चीज से मदद मिली होगी। और एक चीज जो मैं आज तुमसे बोलता हूँ, आज कमेंट कर देना कि तुम्हारा रीजन क्या है, तुम्हारा रीजन क्या है, तुम क्यों 95 लाना चाहते हो, तुम्हारा रीजन क्या है, वो जरूर से आज कमेंट कर देना। और अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी मोटिवेशन ले पाए और इस मोटिवेशन को इंप्लीमेंट कर पाए। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।